हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोग की दुआओं से मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी जा रहे हैं हम लोग क्लास के लिए, सुबह के बज रहे हैं 10, तो पहले क्लास जाते हैं उसके बाद आके ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। तो अभी हम लोग लंच कर कर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त आए थे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो उनकी जो वॉच है वो मेरे यहाँ पर ही छूट गई थी। तो अभी मैं और खालिद भाई जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस और वहाँ पर ये जो है पोस्ट करेंगे ताकि उनके पास पहुंच जाए। वैसे यहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा, मतलब 6-7 घंटे का रास्ता है, बट फिलहाल अभी कोई जा नहीं रहा या मैं भी नहीं जा रहा हूँ, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा पोस्ट कर दूंगा। तो बेटर ऑप्शन रहेगा, उनके पास भी जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा और उनको भी कहीं जाना है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते पहले और पोस्ट ऑफिस जाके देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। मैंने आज से पहले कभी पोस्ट नहीं किया है कि मतलब किस तरीके से जाता है, क्या होता है, कैसे इसकी पैकिंग वगैरह करनी होती है। नॉर्मल जो मेरा सेल्फी स्टिक लेके आए थे हम लोग, वो डब्बे में इसको डाल दिया मैंने वॉच को, और उसके ऊपर से एक जो पेपर था मेरे पास उससे लपेट दिया। तो अब चलिए चलते हैं पोस्ट ऑफिस और वहाँ पे जाके पूछते हैं कि कैसे इसको देना होता है। और दोनों जगह का ऑब्वियसली एड्रेस लगेगा, एक मेरा जहाँ से मैं भेज रहा हूँ, एक जहाँ पे मुझे भेजना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आपको मिलते हैं वहाँ पर। तो पोस्ट ऑफिस पर हमारा काम नहीं हुआ, अभी जा रहे हैं हम लोग आगे। एक एड्रेस दिया उन्होंने यहाँ से करीब, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चल के आए। अब वहाँ से फिर ये 2 किलोमीटर और आगे का बताएं, यहाँ पे कोई ना गाड़ी चल रही है ना कुछ भी, ये भी वॉकिंग रास्ते पे ही है। तो अब 2 किलोमीटर इस साइड जा रहे हैं, वहाँ पे बोले ये पोस्ट हो जाएगा। तो चलो अब जाते हैं और देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। और वैसे उन्होंने तो वहाँ पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताया कि इसको रैप वगैरह करके आना पड़ेगा, इस पर एड्रेस लिख के आना पड़ेगा। देखते आगे क्या क्या बताते हैं अभी, क्योंकि दोपहर के वक्त है, अभी 1 ही बज रहा है और अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है अभी, तो दोपहर में वो शायद बंद हो जाता है। इस हिसाब से अब यहाँ पे जा रहे, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर वापस रूम पे आना पड़ेगा और कल सुबह ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहुँच गए हम लोग मेन रोड साइड पे। अब यहाँ से हम लोगों को सीधा जाना है, प्यास लगी है, पहले जूस पीते फिर आगे निकलेंगे। हार्ड वर्किंग बॉय, आज बनेगा चिकन और चावल और चपाती। खालिद भाई ने यहाँ स्टार्ट कर दिया है कटिंग, इस साइड चढ़ गया है चावल, वहाँ पे रेडी है आटा, और यहाँ पे परवेज भाई चिकन धो रहे, और ये सबीर भाई प्याज छील रहे, और एमसी शेन का चश्मा ले गया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आज हम लोग राशन वगैरह लेके आ गए थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में, 5 किलो दाल और ये पूरा 30 किलो का चावल और ये 10 किलो आटा, ताकि अब 1 महीने की छुट्टी हो जाए। खालिद भाई रोज़ बता रहे थे कि भाई राशन ले लो, इनको बहुत जल्दी थी कि राशन जल्दी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आज चिकन बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ऑलमोस्ट चावल हो ही गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बाकी जो काम है वो बचा हुआ कर लेते हैं। तो अब रेडी हो गया हमारा डिनर, चिकन चावल और चपाती साथ में कांदा। तो चलिए चलते हैं, पहले डिनर करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा बाहर जा के आएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग डिनर करके आए हैं बाहर थोड़ा वॉकिंग के लिए, और आज के ब्लॉग में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बट फिर भी जो था वो क्रिएट किया हम लोग ने। इंशाल्लाह कल जाऊंगा मैं फिर से, और वो जो पोस्ट था उसको करना है, आज तो हुआ नहीं बट इंशाल्लाह कल करूँगा उसको मैं। और बाकी जो जगह है इंशाल्लाह और जगहों पर जाएँगे यहाँ पर, और आप लोग तक शेयर करेंगे क्या है यहाँ पर, कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह है, कैसे है, क्या फेयर वगैरह है, इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं यहाँ पर कवर करने के लिए वो करेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।